हेलो माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th साइंस, टुडे वी डिस्कस विद सम इम्पोर्टेंट एग्जांपल एज वेल एज क्वेश्चन। कल हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज, हम डिस्कस कर रहे थे मिसलेनियस और उसमें क्वेश्चन नंबर 11 तक हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। In question number 12, we have to prove that 9 pi by 8 minus 9 upon 4, sorry, 9 upon 4 sine inverse 1 upon 3 plus 2, 9 upon 4 sine inverse 2 root 2 upon 3। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, चलिए इसकी लेफ्ट साइड को लेके चलते हैं। लेफ्ट साइड विच इज 9 pi / 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, अब आप यहां से कॉमन लीजिए 9/4। ठीक है, 9/4 आप कॉमन ले लीजिए यहां से। ठीक है, कॉमन लेने के बाद में यहां पे बचेगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, देखिए जरा इसको, यहां से 9/4 में कॉमन ले रहा हूं तो मेरे पास बचेगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। यहां पे कुछ पढ़ लो। अब आप जानते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला था, फॉर्मूला ये था कि साइन इनवर्स, सुनना बड़े ध्यान से, फॉर्मूला था हमारे पास में कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2। ये हमारे पास फॉर्मूला था। ठीक है, तो यहां से आप साइन को ले जाओ उधर राइट साइड में, सो वी कैन राइट दैट कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, यानी कि π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स को आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, 1/3 को अपने माइंड में फिलहाल x मान लीजिए, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x, जिसको मैं लिख सकता हूं कोस इनवर्स x, यानी कि कोस इनवर्स 1/3 को मैं लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये मेरे पास में आ जाएगा 9/4 इंटू कोस इनवर्स 1/3। दोबारा सुन लीजिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होती है वो π/2 होती है। ठीक है, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स को आप लिख सकते हैं कोस इनवर्स एक्स। अब एक्स तो यहां पे नहीं है, यहां पे तो एक्स के प्लेस 1/3 है, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं कोस इनवर्स 1/3। ठीक है, तो मैंने इसको लिख दिया है कोस इनवर्स 1/3। अब सोचिए आप ध्यान से, जो आंसर लेके आना है वो है साइन इनवर्स में और हम पहुंच रहे हैं कोस इनवर्स तक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस केस में, ट्रायंगल फॉर्मूला यूज करके कोस इनवर्स को आप कन्वर्ट करेंगे साइन इनवर्स में, और वो आप कर भी सकते हैं। कैसे, जरा आओ, कोस इनवर्स 1/3, कोस क्या होता है, V/H, तो ट्रायंगल बनाएंगे आप, और इस ट्रायंगल में B वो 1, H वो 3, तो P कितना आ जाएगा, स्क्वायर ऑफ 3 मींस 9 में से 1 जाएगा तो बचेगा 8, और 8 को मैं लिख सकता हूं 2/√2। तो इस तरह से P मेरे पास आ चुका है 2√2, तो cos
सकता हूं साइन इनवर्स पी अपॉन एच, इट मींस टू अंडर रूट टू अपॉन थ्री। सुनना है कुछ, मैंने ट्रायंगल फॉर्मूले की हेल्प से कोस इनवर्स वन अपॉन थ्री को कन्वर्ट कर लिया है साइन इनवर्स टू अंडर रूट टू अपॉन थ्री में। वो कैसे किया है, कोस इनवर्स में लेके चला हूं वन अपॉन थ्री, तो 1 अपॉन 3 को आप एज्यूम कीजिए एज अ b अपॉन s, क्योंकि cos इनवर्स में है। जब cos इनवर्स 1 अपॉन 3 है तो उस फार्मूला का था क्लास 10th वाला, वो था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो मैंने b अपॉन h की हेल्प से उसको यहां पे लिखा b और h, सॉरी h और b, और मैंने यहां से यूज किया पाइथागोरस और p निकाल लिया। p मेरे पास आता है 2 अंडर रूट 2 विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस, आप निकालेंगे आपको मिल जाएगा। और उसके बाद मैंने cos इनवर्स को कन्वर्ट कर लिया sin इनवर्स में, जो कि होता है p upon h। तो p मेरे पास में 2 अंडर रूट 2 है, h मेरे पास में 3 है, तो ये आ चुका है sin इनवर्स 2 अंडर रूट 2 upon 3। क्लियर है? तो इस तरह से अब जो आप ये देख रहे हो cos इनवर्स 1 upon 3, इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा sin इनवर्स 2 अंडर रूट 2 अपॉन 3 में। तो इसको मैं लिख सकता हूं 9 अपॉन 4 साइन इनवर्स 2 अंडर रूट 2 अपॉन 3। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये क्वेश्चन प्रूव कर दिया। ठीक है, चलिए आगे आगे देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 13 और ये क्वेश्चन नंबर 13 तो आप खुद ही कर लेंगे, 13 तो आसानी है। ठीक है भाई, टू टाइम इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगा लीजिए लेफ्ट साइड में, प्रूव हो जाएगा। और रही बात 14 की, 14 जो मैं बता रहा हूं, अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 14 14 में कह रहे हैं कि प्रूव कीजिए tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब सुन ध्यान से कि tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है। ठीक है, तो आपके पास एक फॉर्मूला था कि tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x को आप लिख सकते हो tan इनवर्स 2 x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। याद है कुछ, ये फॉर्मूला आपके पास में था वहां पे। ठीक है, 2 tan इनवर्स x के हमारे पास में कुछ फॉर्मूले और भी थे यदि आपको याद हो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैं लेके चल रहा हूं अभी लेफ्ट हैंड साइड LHS tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। अब जो ये x आप देख रहे हो, x को आप रख दीजिए एज अ tan थीटा, पुट x इक्वल्स टू tan थीटा। वो मैं क्यों रख रहा हूं, क्योंकि मैं 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x को सॉल्व करके tan मिलाऊंगा, उस tan से कटेगा tan इनवर्स। ठीक है, तो थीटा कितना आ जाएगा, यहां से थीटा आ जाएगा tan इनवर्स x। चलिए पुट कीजिए आप x को tan थीटा, लेकिन जहां जहां हम देख रहे हो उसको रख देंगे आप tan पाई बाई 4। फॉर्मूला बना लूंगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan tan b वाला। तो 1 को मैं रख रहा हूं अभी tan पाई बाई 4, x को रख रहा हूं tan थीटा, चलिए अपॉन में। ये जो x है, इस x को मैं लिख सकता हूं 1 मल्टीप्लाई बाई x, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 1 इंटू x एक्स ही होता है। तो मैं इसको लिख रहा हूं एज अ tan पाई बाई 4
टेन एक्स, क्लियर। तो मैंने टेन फाइव बाई फोर को वन लिख दिया, वन यहां पे आया, वन यहां पे आया, उसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा, वापस आप यही पहुंच जाओगे, ठीक है। चलिए आगे, टेन इनवर्स, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन टेन बी को मैं लिख सकता हूं टेन ए माइनस बी, ठीक है। तो इस तरह से टेन से टेन कट जाएगा और आंसर आ जाएगा फाइव बाई फोर माइनस थीटा, थीटा को प्रूफ कीजिए आप, थीटा मेरे पास में है टेन इनवर्स फाइव बाई फोर माइनस टेन इनवर्स एक्स। अब इसी तरह से आप लेके चलेंगे अपनी राइट हैंड साइड को, ठीक है। जो राइट हैंड साइड है उसको आप खुद निकाल लेना, आप वहां पर वैल्यू रख देना और वैल्यू रख के अपने पास में ही आ जाएगी, ठीक है। सोल्व कर लीजिएगा आप, लेफ्ट को मैंने सोल्व कर दिया है। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 और ये 16 ये आप खुद कर लेंगे तो आसानी क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके बाद में क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, इसे मैं करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 17 को, क्वेश्चन नंबर 17, 17 में दिया है टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये हमें दिया है और हमें इसका आंसर लेके आना है। तो चलिए देखिए कैसे इसका आंसर आएगा। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा रहे हैं, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा रहे तो वो आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो इस तरह से ये आ गया। चलिए आगे, टेन इनवर्स, अब यहां पे लिखिए एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा वाई इंटू एक्स प्लस वाई, वाई से कटेगा वाई, बचेगा एक्स प्लस वाई, वो एक्स की मल्टीप्लाई में जाएगा तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कट जाएगा, वाई बचेगा तो वो मल्टीप्लाई में जाएगा एक्स माइनस वाई के और आएगा फिर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब अपॉन में आएंगे, अपॉन में एलसीएम आएगा वाई ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये पूरा जाएगा फिर वन की मल्टीप्लाई में तो बनेगा वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। चलिए तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, इधर एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, तो मेरे पास में बचता है टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इट मींस टेन इनवर्स वन। अब जरा चेक करके बताओ कि वन टेन में कहाँ होता है, वन टेन में होता है फाइव बाई फोर की वैल्यू, सो टेन इनवर्स टेन फाइव बाई फोर, कैंसिल देयर टेन इनवर्स, आंसर आएगा फाइव बाई फोर, इट मींस ऑप्शन नंबर सी वो सही है, ऑप्शन सी देखिए अपनी बुक में, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं, इस तरह से आपका जो चैप्टर था वो फिनिश हो गया। अब इसी चैप्टर के जो एक दो अच्छे एग्जांपल हैं, क्योंकि आपने तो वो एग्जांपल किए नहीं होंगे, आपको मैं रोज बोल रहा था लेकिन मैं करा देता हूं एग्जांपल को। इसमें देखिए आप सबसे पहले एग्जांपल नंबर 11, एग्जांपल 11 और पेज नंबर है 50, पेज नंबर इज 50। चलिए एग्जांपल 11 में कह रहे हैं कोई साइन इनवर्स 11 अपॉन 13 सॉरी 12 अपॉन 13 प्लस कॉस इनवर्स 4 अपॉन 5 प्लस
tan inverse 63 अपॉन 16 इक्वल्स टू 5 ऐसा बोल रहे हैं। अब देखो साइन कॉस टेन तीनों यहां पे आ गए, ठीक है, तो अब हम यहां पे कन्वर्ट करेंगे इन तीनों को टेन में बदल दो। एक तो मेरे पास टेन ऑलरेडी है ही, तो साइन और कॉस को भी आप टेन में ही कन्वर्ट कर लो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टेंजेंट फॉर्मूला। चलिए तो सुनो ध्यान से, साइन इनवर्स 12 अपॉन 13 इट मींस पी अपॉन एच, और पी अपॉन एच का मतलब क्या हुआ कि पी 12 है एच 13 है, तो बेस कितना आ जाएगा, बेस आ जाएगा 5 पाइथागोरस के हेल्प से, ठीक है। सो साइन इनवर्स 12 अपॉन 13 को आप लिख सकते हो टेन इनवर्स पी अपॉन बी मींस 12 अपॉन 5। चलिए उसके बाद में कॉस इनवर्स 4 अपॉन 5, कॉस में क्या होता है फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन बनाओ दोबारा से और बी अपॉन एच, तो बी मेरे पास आएगी 4, एच मेरे पास 5, सो पी विल बी 3 विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस। पाइथागोरस को अप्लाई कर रहे हैं माइंड में, ठीक है, तब आ रहे हैं आंसर। अब cos इनवर्स को बदल दो आप tan में, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स p upon b इट मींस 3 upon 4। चलिए तो अब हम लेके चलेंगे अपनी लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन प्रूव करना है, हमें करना है क्वेश्चन को प्रूव, तो लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, इट मींस LHS sin इनवर्स 12 upon 13 plus cos inverse 4 upon 5 plus 10 inverse 63 upon 16। इस पर लेके चलते हैं, sin inverse और cos inverse के प्लेस पे आप उसकी वैल्यू को फिट करेंगे। sin inverse होता है 10 inverse की फॉर्म में 12 upon 5, और cos इनवर्स होगा 10 इनवर्स की फॉर्म में 3 upon 4 प्लस 10 इनवर्स 63 upon 16। अब 10 इनवर्स a प्लस 10 इनवर्स b का फॉर्मूला लगा लो आप इन दोनों में, स्टार्टिंग के जो दो हैं, तो ये आ जाएगा 10 इनवर्स a प्लस b upon 1 माइनस ab 12 upon 5 into 3 upon 4, और जो लास्ट में बैठा है 10 इनवर्स वो रहेगा LHS। चलिए तो ये आ जाएगा 10 इनवर्स 4 5 का लेंगे LCM जो कि बनेगा 20, तो ये मेरे पास में आ जाएगा LCM 20, 5 4 जा 4 into 12 तो बनेगा 48, और ये 12 5 से बनेगा 15, नीचे मेरे पास 20 आएगा, 20 यहाँ पे जाएगा माइनस 36, और ये मेरे पास में प्लस जो लास्ट में वो रहेगा ऐसे ही 10 इनवर्स 63 अपॉन 16। चलिए तो ये आ जाएगा 10 इनवर्स 48 प्लस 5 53 इट मीन 63, 25 को और नीचे बचता है मेरे पास में 16 प्लस 10 इनवर्स 63 अपॉन 16। अब इन दोनों को आप फिर फॉर्मूला अप्लाई कर लो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का, तो ये आ जाएगा 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब इसे करेंगे आप सिंप्लीफाई, तो ये आ जाएगा मेरे पास में ऊपर तो सीधे आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 6 और 6 12 यानी कि 126 अपॉन 16, और नीचे आ जाएगा 16 259 माइनस,
अब देखो भाई 63 इंटू 63 कितना होता है, 63 इंटू 63 इसका रटेंगे अपने हम, ये मल्टीप्लाई 9 ये हो जाएगा 300 964 अपॉन 259। ठीक है, अब सुनो इसके बाद में क्योंकि यहां पे फिलहाल स्पेस नहीं रहा तो इसके बाद में आप इससे सोल्व कर लेंगे, बाहर बाद में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जो अंदर है वो हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो उसके बाद में इसका आंसर आपको पाई मिल जाएगा। ठीक है, पाई मींस देखो 10 पाई क्या होता है भाई, 10 पाई जो होता है आपके पास में आपको पता है कि 10 पाई मींस 10 180, और 10 180 क्या होगा आपके पास में, 10 90 प्लस 90 जो कि क्या बनेगा कोट 90, कोट 90 क्या होता है 0। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप आगे सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप आज ये एग्जांपल नंबर 9, एग्जांपल नंबर 10, एग्जांपल नंबर 12 ये भी आप जरूर करें। ठीक है, ये चैप्टर आज जो है फिनिश हो गया है, तो इसके जो भी एग्जांपल हैं ये आप जरूर करें, स्पेशली एग्जांपल नंबर 5 पेज नंबर 45, उसके बाद एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल नंबर 7, एग्जांपल नंबर 6-7 दिए हैं पेज नंबर 46-47 पे। ठीक है, तो इन्हें जरूर करें, तो इस चैप्टर आपके पास में ये फिनिश हो गया है। हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे लास्ट चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और उसके बाद आपके फर्स्ट वॉल्यूम में सिर्फ चैप्टर बचेगा फर्स्ट रिलेशन फंक्शन वाला, रिलेशन फंक्शन को हम बाद में करेंगे। ठीक है, इनवर्स फंक्शन आज खत्म हो गया है, इसके आज आप घर बैठकर भी करेंगे, मिसलेनियस एग्जांपल करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, चैप्टर को फेस करेंगे, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो उसको आप फोन करके मुझे बताएंगे, आपको मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर को आप आज फिनिश करेंगे, इसके रिगार्डिंग आप आज सारी के सारी जो प्रॉब्लम्स हैं जितनी भी हैं, चाहे वो 2 हो चाहे वो 10 हो, मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, उसके बाद में हम कल जो वीडियो बनाएंगे उसमें डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इस फर्स्ट वॉल्यूम का लास्ट चैप्टर है, जिसके बाद में इसमें सिर्फ बचेगा चैप्टर नंबर 1 रिलेशन फंक्शन, रिलेशन फंक्शन को हम बाद में करेंगे डिस्कस। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव शुरू करने के बाद हम उसको फिनिश करेंगे, और उसके बाद मैं सेकंड वॉल्यूम शुरू करूंगा, सेकंड वॉल्यूम हम शुरू करेंगे और पढ़ेंगे वहां पे इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये हमारी प्लानिंग होगी बेसिकली, इसके बाद पढ़ेंगे हम, इसको आज खत्म हो गया है, इसका पढ़ेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और उसके बाद हम जाएंगे सीधा इंटीग्रेशन पे, और इंटीग्रेशन के सेकंड वॉल्यूम में फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं, सो इंटीग्रेशन को मिस मत करना, उसकी वीडियो देखते रहना, उसको समझते रहना, उसकी जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस करते रहना, क्योंकि इंटीग्रेशन पे बेस सेकंड वॉल्यूम में 3 चैप्टर हैं स्टार्टिंग में, फर्स्ट इंटीग्रेशन, उसके बाद में आएगा एरिया बिटवीन टू कर्व, और उसके बाद आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सेकंड वॉल्यूम के स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर हैं वो इंटीग्रेशन पे बेस हैं, तो इंटीग्रेशन चैप्टर को आप मिस ना करें, इसको पढ़ते रहें, समझते रहें, मुझसे अपने क्वेश्चन पूछते रहें। ठीक है, तो ये हमारी बेसिकली प्लानिंग होगी, आज बैठ करके आप अपना ये चैप्टर फिनिश करेंगे, और इसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपकी क्वेरी हैं, उनको आप डिस्कस करेंगे मेरे साथ। ठीक है, यहाँ पे जो ये एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ बेसिकली, जो मेरा मेन पर्पज है, क्योंकि इस चैप्टर में से कई बार एग्जाम्पल पूछे गए हैं, जैसे यदि मैं बात करूं यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर, ये है एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर 45। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5, जिसमें कि आपको ये बताया गया है टेन इनवर्स कोस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, क्वेश्चन दिया है
tan inverse cos x अपॉन 1 प्लस sin x, इसको आप सोल्व करें, ठीक है। जबकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो ऊपर लिखा हुआ है cos x उसको तो हम लिख देंगे cos square x by 2 minus sin square x by 2, फिर कर लेंगे उसके फैक्टर, जैसे कि a square होता है और साथ में होता है minus b square, तो a square minus b square क्या बनता है, a plus b into a minus b, तो वैसे ही cos square x by 2 minus sin square x by 2 को हम लिख देंगे cos x by 2 plus sin x by 2 first bracket के अंदर, into ओपन करेंगे second bracket को और उसके अंदर लिख देंगे हम cos x by 2 plus sin x by 2। रही बात नीचे 1 minus sin x की, तो हम 1 को लिख देंगे cos square x by 2 plus sin square x by 2, because you know that sin square theta plus cos square theta जो होता है वो 1 होता है, क्लास के अंदर पढ़ा था आपने, वो तब होता है 1 जब एंगल दोनों में सेम हो और बीच में हमारे पास में प्लस हो, तो इस तरह से उस 1 को आप लिख देंगे cos square x by 2 plus sin square x by 2, जो साथ में आया हुआ है minus sin x उसको आप लिख देंगे minus 2 sin x by 2 cos x by 2, तो वो बन जाएगा cos x by 2 minus sin x by 2 का होल स्क्वायर। अब ऊपर जो बना था फैक्टर उससे कट जाएगा, ठीक है, तो आंसर आपका आएगा cos x by 2 plus sin x by 2 upon cos x by 2 minus sin x by 2, फिर आप ऊपर नीचे से कॉमन ले लेंगे sin x by 2 सॉरी cos x by 2, तो बन जाएगा 1 minus tan x by 2 upon 1 plus tan x by 2 सब बन जाएगा, और उसके बाद में आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पे tan a plus b वाला, जहां जहां हम देख रहे हो उस वन को लिख देना है tan pi by 4, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को मैंने कराया भी था, मुझे जो यहाँ तक याद है, ठीक है, बाकी इसको आप जो करेंगे खुद अपने आप भी, क्योंकि ये अच्छा एग्जांपल से आपको मैंने दोबारा याद दिलाया है, क्लियर। तो इस तरह से इस चैप्टर को आप अपनी फिर नोटबुक के अंदर करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं रोज बोल रहा हूं आपको एक बात, क्योंकि बाद में जिससे आप एक्सक्यूज ना दे पाए इसलिए बोलता हूं कि फेयर नोटबुक को बनाते रहें। फेयर नोटबुक आपकी चेक होनी है, जिसको स्कूल में मंगा करके चेक करेंगे, मैम भी चेक करेंगे, हम भी चेक करेंगे, ऐसा ना हो कि बाद में आप एक्सक्यूज दें कि सर हमारा काम नहीं हो पाया है, हमसे ये नहीं हो पाया, हमसे वो नहीं हो पाया है, तो किसी तरह का एक्सक्यूज नहीं चलेगा। कॉपी चेक जब होगी तो फिर कॉपी आपको दिखानी पड़ेगी। आप में से कुछ बच्चे अभी काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप डेली का वर्क डेली ही करें, उसको कल पे छोड़ के ना चलें, क्योंकि कल तो फिर नया काम मिलना है, काम ऐड होता चला जाएगा और आपसे एक पेज भी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए काम जो डेली जितना मिल रहा है उसको डेली का डेली करते रहें, और जब आपके कॉपी दिखाने का नंबर आएगा तो उसको आप चेक जरूर करवाएं। कॉपी इसलिए बनवा रहे हैं कि एग्जाम टाइम पे जब क्वेश्चन निकालोगे, रिवीजन करोगे, तो क्वेश्चंस के आंसर, उसका जो सॉल्यूशन होता है, जिसका मेथड होता है, वो कहां से देखोगे आप? यदि तुम्हारे पास नोटबुक नहीं बनी होगी प्रॉपर, तो एग्जाम से पहले कैसे करोगे आप परफॉर्म अपना रिवीजन को? रिवीजन नहीं हो पाएगा आपका फिर, ठीक है। तो कॉपी बनाते रहे, उसमें लिखते रहे, अपनी प्रॉब्लम को पूछते रहे, मुझे फोन करते रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स।